हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ! महारानी जी, तुम्हें क्या हुआ? आज मैं क्या देख रहा हूं? महाराज, क्या हो गया? सब चीजें भिन्न हो गया। बेस्ट हालत तेरी बिखरे हैं लट के। आखिर तुम्हें हुआ क्या? अरे प्राणनाथ, पूछो नहीं। क्या हुआ? मेरे दिल की बात, और जिंदा रह कर क्या करूं? हुआ साथ में घात। कैसा घात तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। और किया साथ में मेरे जबरन हरामी। क्या हुआ? किया साथ में मेरे जबरन हरामी। महाराज, इज्जत मेरी लुट गई है। किस शराब जादे ने तुम्हारी अस्मत को लूटा है? महाराज, इज्जत मेरी लुट गई है। महाराज, इज्जत मेरी लुट गई है। मरू मैं यहाँ मार करके कटा। कुछ तो बताओ प्रिय, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? आखिर का भवा तुमका पटक दिहिन, माट काट डाल की छोल छपट लिहिन, का करा पोका की ना। और कौन है वो? तनु तबे था पिज्जत नरकी कसर, सो रहा पलग पे सेना पद देखिए। साथ में इसने मेरे किया घात है, जिस पे विश्वास करते मेरे तू पति। तुम जिस पे विश्वास करते हो कि मेरा वफादार सेनापति है, आज मुझे अकेली पाकर मेरे कमरे में से मेरी इज्जत खाक में मिला दिया। महारानी जी, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। सेना पर रणबीर प्रताप सिंह हमारे राज दरबार का एक वफादार मुलाजिम है, वो ऐसा कभी कर नहीं सकता।
मेरे दानवीर सम्राट हो, ये महारानी झूठ बोल रही है, ये महारानी झूठ बोल रही है। और एक वफादार सेना का सेना नायक, और वो भी महारानी के साथ गद्दारी करेगा, हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें साबूत चाहिए, क्योंकि कानून को गवाह और साबूत की जरूरत होती है। तुम ठीक कहते हो महामंत्री भवानी सिंह, मुझे साबूत चाहिए। अगर इनके पास कोई साबूत हो तो मुझे ला करके दिखाएं, तभी हमें पूर्ण विश्वास होगा। महाराज, तुम्हें साबूत की जरूरत है, तुम्हें साबूत अवश्य मिलेगा। राम सिंह, ये क्या हो सारा? महाराज, ये शाही शमशीर किसकी है और ये रिवॉल्वर किसका है? चैप कैप किसकी है? मेरे दानवीर सम्राट, मेरे खैरागढ़ के वजीर आला, ये शमशीर, ये रिवॉल्वर, ये कैप तो ये सेनापति रणवीर प्रताप सिंह की है। लेकिन हुजूर, फैसला सुनाने के पहले हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर महारानी ने सोचा हो कि हम सेनापति को किसी केस में फंसा करके जेल में डलवा दें, तो ये शमशीर, ये रिवॉल्वर, ये कैप तो किसी नौकरानी के द्वारा भी मंगवा लिया जा सकता है। हम इसे कोई ठोस साबूत नहीं मानते हैं, हमें ठोस साबूत की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो महामंत्री भवानी सिंह, मुझे भी ठोस साबूत की जरूरत है। तुम्हें ठोस साबूत की जरूरत है तो आपके सामने महाराज, अपनी आंखों से देखो। महामंत्री भवानी सिंह, इस हरामजादे के ऊपर इतने कोड़े बरसाओ कि जब तक हरामजादा होश में ना आए, हंटर चलाते रहो। हुजूर, आप हमेशा सेनापति रणवीर सिंह को एक वफादार सेना नायक समझते थे, देख लिया इस हरामजादी ने महारानी के साथ इस हरामखोर ने क्या क्या किया होगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपकी आज्ञा मिल गई है तो हम इसे हंटरों की झनकार से होश में लाते हैं। Thank you.
राजन, मेरी एक छोटी सी बात सुन लिया जाए, उसके बाद आप मुझे फांसी दे देंगे। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह बोल, अब भी सफाई में कुछ कहना चाहता है। दास से जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, तुम रणवीर प्रताप सिंह के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। दास से बुलवाए कर उल्फत का डाला जाल है, और इनकार करने पे हुआ हुजूर को माला। महाराज बोलो। सेना पर मेरी जितनी भी गलती है मैं सब कुछ बता देता हूं। साफ से कहो, अरे हुक्म को मान करे। महाराज हुक्म को मान करे, साह आया चला। इसके कहे ने मैं हो आया नहीं, और तो दिखाया ये अपना। महाराज और तो दिखाया ये अपना त्रिया चाले हमें। महाराज सिर्फ आने का गुनहगार हूं और मेरी कोई भी गलती नहीं। सेना पर रणवीर प्रताप सिंह, तुम घबराओ नहीं। खैरागढ़ साम्राज्य में हमेशा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ ही होगा। महारानी जी, और कोई सबूत है तुम्हारे पास जिससे तुम यह साबित कर सको कि सेना पर रणवीर प्रताप सिंह ने ऐसी हरकत की है? हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है और इन सबूतों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दासी को बुलाया जाए और उससे हारी हकीकत पूछी जाए। अरे हुजूर, अरे रो रही है हुजूर, रो रही है। आपको सबूत की जरूरत है हुजूर, बड़े बड़े आंसुओं में रो रही हुजूर। रोने दो, मुझे इंसाफ करना है। राम सिंह जी महाराज, दासी को हाँ राज दरबार में बुलाया जाए। आवाज दासे। दासी कहिए महाराज, तुम जो भी कहोगी सच कहोगी महाराज, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बिल्कुल महाराज,
पूछिए। एक बात मुझे ये बताओ। कहिए महाराज। एक बात मुझे ये बताओ। जी महाराज। कि सेना पर रणवीर प्रताप सिंह को जरा मेरा हंटर लाओ, दासी धराओ। महारानी जी, जब मैं कोई प्रश्न दासी से करूं तो तुम बीच में नहीं बोलोगी। इधर आओ दासी, बोलो। जी महाराज। महारानी जी ने सेना पर रणवीर प्रताप सिंह को तुम्हारे द्वारा राजमहलों में बुलाया था या ये अपनी मर्जी से आया था? महाराज, महाराज, मैं जो भी कुछ कहूंगी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कहूंगी। महाराज, जहां तक बात ये है सेनापति की बुलाने की, तो नाराज माता ने कहा था बुलाने के लिए। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि जब मैं राजमहल में आई तो महारानी जी के कमरे में बहुत जोर जोर से शोरगुल हो रहा था, तो मैं सुन के मैं आपके पास भागती हुई आ रही थी। और महाराज, बिल्कुल गलत बात है, महारानी ने बुलाया था। मैं कसम खा के कहती हूँ, बुलवाया नहीं था महारानी ने। दासी, तुम जाओ। दासी, यही पूछना था। जी महाराज। रणवीर प्रताप सिंह अब भी कुछ कहना चाहता है? अब मैं सर में आई नहीं, सेनापति साथ में घात मेरे कमाते हुए कुछ न सोचा बिचारा, अरे बेशरम मेरी इज्जत पे धब्बा लगाते हुए। महामंत्री भवानी सिंह डाल दो रणवीर प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी। हराम जादे, सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि महारानी का दर्जा एक देवी माँ के समान होता है, और तूने ऐसा क्यों किया? हराम जादे, हम बहुत देर से तेरी तारीफ सुन चुके हैं, बहुत देर से तेरी तारीफ सुन चुका हूँ, और कितने जुर्म किए हैं वो भी गिन चुका हूँ। हर जुर्म की सजा तुझे महाराज से दिलवाऊंगा, और कसम खा के आया हूँ, हथकड़ी पहनाऊंगा। हराम खोर, पहले ये बता कि वो कौन सा गंदा हाथ है जो महारानी के बदन की तरफ उठा है? ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। उस हाथ को मुझे दे दे, लाओ हाथ आगे बढ़ा और उस हाथ को मुझे दे दे। लेकिन हराम जादे, हम बगैर महाराज की इजाजत के कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम महाराज के एक वफादार मंत्री हैं, हम बगैर उनकी इजाजत के कुछ नहीं करेंगे। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, आज हम तुझे ऐसी मौत मारेंगे, आज हम तेरी ये मुंडी पकड़ करके ऐसा मारेंगे जैसे बंदर सांप को जमीन पे रगड़ रगड़ के मारता है। हराम खोर, हे राम सिंह, ला वो हथकड़ी ला। नहीं भवानी, ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपके पांव पड़ता हूँ। रणवीर प्रताप सिंह, आगे हाथ बढ़ाओ
और कानून की जंजीरें पहन करके जाओ जेल में समय बिताओ। शराम ज्यादा बोले जाओ और घसीटते हुए हमारी जेल में डाल दो। भवानी धोखेबाज गद्दार, तो धोखेबाज है। और महाराज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक बात, ध्यान में रखना, इस काली नागन से बच कर रहना। सम्राट ये कितने समय तुम्हें डस ले, इसलिए इस नागन से बच कर रहना। और एक दिन खैरागढ़ की गलियों में चीखोगे, चिल्लाओगे और तड़पोगे, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। और तब याद करोगे सेनापति रणबीर प्रताप सिंह को। और राजन आखिरी बार यही कहना चाहता हूं कि इस काली नागन से बात कर। हुजूर अब हमारी तनख्वाह और बढ़ाई जाए। मंत्री जी आज से तुम्हारी तनख्वाह दूनी हो जाएगी। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। राजन जब महारानी जी ने हमारी तनख्वाह दुगुना कर दिया है तो हुजूर आपका का ख्याल है? महामंत्री भवानी सिंह, यह यहाँ की सम्राटिका है, यहाँ की महारानी है, मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रानी साहिबा अब आप हमारे लिए क्या हुक्म दे सकती हैं? मंत्री जी तुम यहाँ से जाओ कमरे में, और वहाँ काजू बादाम अरे सब कुछ रखा हुआ है, और खा करके को अपनी शरीर बना लो। महारानी की जय, महारानी की जय। राम सिंह जय, तुम हमारे साथ आओ। हाँ? और हम पहले उस कमरे में चलते हैं जय, जहाँ पर काजू और बादाम की बोरियाँ लगी हुई हैं। हम काजू बादाम खाएंगे। हाँ? और ताकतवर बनेंगे जय, तभी हम। हाँ? और मेहनत करेंगे। हमारे साथ आओ। हाँ? हम काजू बादाम वाले कमरे की तरफ चलते हैं। महाराज मेरी बातों पे तुम्हें यकीन नहीं होता था, अब यकीन हो गया ना? प्रिय तुम घबराओ नहीं, हमारे साथ राजमहलों में चलो और वहां प्यार की मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन प्राण नायक थोड़ा सा गंगा जल लेके आए और मुझे नहलाकर मुझे पवित्र कर देना। महारानी जी आप तो सती सीता
धरती की तरह स्वयं पवित्र हैं, तो इसमें गंगा जल की बात कहां से आ गई? ठीक है, चलिए नाग, आओ हमारे साथ आओ। महाराज चंद्रसेन, तुमने सोचते हो छह महारानी चमेली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी से मैंने कहा तिरिया चरित्र दैवो न जाने, तिरिया चरित्र दैवो न जानम, तिरिया चरित्र जाने कोई खसम मार के सत्ती होए। एक दिन अगर तुझे इस दुनिया से मिटा न दिया तो मेरा नाम महारानी चमेली नहीं होगा। गोविंद भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और गंगालाल जी क्या हाल है? अरे भाई ठीक है, हम तो यह देखित रहे हैं कि खाली छोटकैन के घर में इधर उधर का काम हुआ था, लेकिन आज हम देखा बड़कों के घर में यही तरह काम होता। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आवा, हाँ सेनापति के इतने अच्छे आदमी हैं, यही बात, और इतने अच्छे आदमी हैं, हाँ इस दुनियादारी में काहे फंस गए यार? अरे यह जौन महारानी आई है काल का कुकाला, या पहले वाली महारानी रही कितनी अच्छी रही, अपाई नाश्ता पानी देती रही, और यह जब से कुकुरी आई है नाश करे है। पहले पहले वाली महारानी कितनी अच्छी रही है, हाँ हमका तुमका समय से तनख्वाह मिल रहा है, हाँ खाना पीना मिल रहा है, हाँ भाई अगर एक आदिन हम तुम छुट्टी मार देते रहे, हाँ हाँ तो अगर वो करी, हाँ तो कुछ नहीं होता रहा भैया, सही आए। और जब से यह आई है, हाँ खाई पी रोटी हरी, बात सही है, कहा थे नहरिया मेहरिया बिजली का कबो भरोसा। सुन ले, हाँ पहल बात है के कुछ होबे न करी, हाँ पहल बात है के कुछ होने नहीं ना, हाँ और खुदा न खाते माले होबो करी, हाँ हाँ तो हम दुर्गा मैया शंकर भगवान से यह मनोबे का जो रह के पेटे में लड़का हुआ, हाँ वही पेटे में गल जाए, हाँ हाँ वही पेटे में मर जाए, सही है, और यही को छुन्नी हो जाए, सही है। वहाँ याद है, हाँ चढ़ाई का गोल नहीं चढ़ गई सतखंडा, हाँ हाँ चढ़ाई का गोल नहीं चढ़ गई सतखंडा, हाँ हाँ नाम है इनके गुलाब कली पाथे का कंडा। जौन तोर मेहरिया है बहुत अच्छी बहुत सुंदर है, और जब से हमारे घर में हमार मेहरिया आई बहुत कुकाला है, खाई पी रोटी हरी है। सामने अपने घर की बुराई करते हो? अरे आपके बुराई को करी महाराज। ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसी गलती नहीं करना ना। अब मैं चल के आराम करूंगी। इसी से मैंने कहा तिरिया चरित्र दैवो न जानम, तिरिया चरित्र जाने कोई खसम मार के सत्य हो, अंदर से ऐसी गलती कभी नहीं करना। गंगालाल जी। जा भैया गोविंदा। कहो बात घुमा दी न पाए घर में लई गएन है। हाँ हाँ नहीं महारानी जी आई, हाँ जब बताओ अपाए मनसवा का नहीं भय, सही है, और हमारे इतने अच्छे सेनापति उनका नहीं भय, सही है, हम तुम तो नौकर रहें, बात सही है, बात ना घुमा दे ना, हाँ दूजरे का नान नान काट डाल रहे। अरे काट है, हाँ कहो घर में एक मर्द बिगड़ जाए, हाँ कहो घर में एक मर्द बिगड़ जाए, हाँ हाँ तो एक नस्ल बर्बाद होती, सही है, और कहो घर में एक औरत बिगड़ जाए, हाँ तो सात पीढ़ी नष्ट हो जाती है, बात सही है। कहते हैं हाँ नारी है नौरंगी है, हाँ हाँ नारी है नौरंगी है रसरंगी है रसभंगी है, हाँ हाँ और रख दे कुल की इज्जत, हाँ नहीं सरे बाजारो नंगी है। एकदम करेक्ट है भैया गोविंदा। अरे हम सब जानी थे यार, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना चाहते हो गोविंदा भाई, सुनाओ कोई मनोरंजन। अरे छैया राम कपड़ा धोवे ऊंची दुकान धोबिनिया के, छैया राम कपड़ा धोवे ऊंची दुकान धोबिनिया के, छैया राम कपड़ा धोवे ऊंची दुकान धोबिनिया के, नारा काटे पेरी मांगे या तो काम के।
के। नारा काटे पेरी मांगे या तो काम चेर या घरवा घर में मेहाउर या तो काम नौनीवा के। ओ या घरवा घर फेरी मारे या तो काम नौनिया के। या घरवा घर में मेहाउर या तो काम नौनीवा के। लईके स्वाटा सोरी चरावे या तो काम पसिन्न के। लईके स्वाटा सोरी चरावे या तो काम पसिन्न के। लईके स्वाटा सोरी चरावे या तो काम पसिन्न के। लईके लग्घा भेड़ी चरावे या तो काम गड़रिया। ओ लईके लग्घा भेड़ी चरावे या तो काम गड़न के। लईके लग्घा भेड़ी चरावे या तो काम गड़रियन के। ओ साग तरोई मंगल गावे चेहरा चटक मुराइन के। अरे साग तरोई लईके ब्याचे या तो काम मुराइन के। साग तरोई मंगल गावे या तो काम मुराइन के। कलुआ ढीले लाल निकारे सांवर गाल लोहारिन के। कलुआ डारे लाल निकारे या तो काम लोहारिन के। कलुआ ढीले लाल निकारे सांवर गाल लोहारिन के। माठा मारे दही जमावे कल्ला मोट अहिन्न के। ओ माठा मारे दही जमावे मोटा कल्ला अहिन्न के। माठा मारे दही जमावे कल्ला मोट अहिन्न के। हिया हुमा तो पतिया बटवारे या तो काम भुजाइन के। ओ लईके खरारा पतिया बटोरे या तो काम भुजाइन के। हिया हुमा तो पतिया बटवारे या तो काम भुजाइन के। हिया हुमा तो पतिया बटोरे या तो काम भुजाइन के। या घरवा घर झगड़ा बेढ़वे या तो काम मियाइन के। ओ या घरवा घर झगड़ा डारे या तो काम मियाइन के। या घरवा घर झगड़ा बेढ़वे या तो काम मियाइन के। साग तरोई मंगल गावे चेहरा चटक मुराइन के। या सतरोई मंगल गावे चटक चेहरा मुराइन के। साग तरोई मंगल गावे चेहरा चटक मुराइन के। जैसे कलम चले लाला के वैसे कमर लहलाइन के। ओ जैसे कलम चले लाला के वैसे कमर लहलाइन के। जैसे कलम चले लाला के वैसे कमर लहलाइन के। जैसे रण माते गा चमके वैसे नयन ठकुराइन के। ओ जैसे रण माते गा चमके वैसे नयन ठकुराइन के। जैसे रण माते गा चमके वैसे नयन ठकुराइन के। पंडित काका बुरा न मान्यो। हाय हाय पंडित काका बुरा न मान्यो नरम गाल पंडिताइन के। पंडित दादा बुरा न मान्यो नरम गाल पंडाइन के।
पंडित दादा बुरा न मानो नरम गाल पंडिता इनके छैया राम कपड़ा धोवें उची दुकान धोबा भैया छैया राम कपड़ा धोवें उची दुकान धोबिया के दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है लोगों का गम मैं जो देखी मैं अपना गम भूल गई दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दो अब मुझे सह नहीं जाता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आए मम्मे या भगवान अब क्या करूं मैं कहां जाऊं लेकिन हां मुझे एक बात याद आई मेरे पति ने कहा था मैं अपनी ड्यूटी खैरागढ़ महाराज चंद्रसेन के राज दरबार में अपनी सेनापति की ड्यूटी निभाता हूं अब मैं चलूं रात दरबार चल के अपने पति को पता लगाऊं मत रो मेरे मुन्ने ये आपकी माँ ऐसी बदनसीब है जो आपको प्यार के सिवा और इस समय कुछ नहीं दे सकती मत रो मेरे मुन्ने मत रो मेरे मुन्ने मैं तेरी माँ हूँ और इस प्यार के सिवा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती अब चलूँ रात दरबार महाराज के पास अपने पति को चल के पता लगाऊँ दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है लोगों का गम मैं जो देखी लोगों का गम मैं जो देखी मैं अपना गम भूल गई दुनिया में
आज मैंने मणि द्वारा और करामाती फूल द्वारा मैंने देखा है कि हमारे नागराज का इसी खैरागढ़ में जन्म हो गया है। अब मैं चल करके खैरागढ़ की तरफ जाऊंगी और अपने नागराज को पता लगाऊंगी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे मेरे मितुआ। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे मेरे मितुआ। तरसेंगे कब तक प्यासी नजरिया, प्यासी नजरिया। बरसेंगे कब मेरे आंगन बदरिया। तोड़ के आजा, छोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितुआ, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मित। दोस्तों, आप लोगों को हमारा एक प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नौटंकी का मजा लें।